नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मैदान, एक ऐसे प्ले ग्राउंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि देखभाल और रख रखाव की वजह से बर्बाद बना पड़ा है। जी हां, बिहार दरभंगा जिला बिरौल अनुमंडल क्षेत्र का खोड़ागाछी मैदान, जिसकी लंबाई चौड़ाई और रकबा एक मिनी स्टेडियम बनाने के लायक है, मगर दुर्भाग्यवश उस मैदान में जगह जगह पर गड्ढे, गोबर, गंदगियां भरी पड़ी हैं। एक मंच बना है, वो भी बिल्कुल टूटा फूटा है, जिससे खिलाड़ियों को खेलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको चोटें भी आ सकती हैं। समय समय पर वहां पर आयोजन भी किया जाता है जिसमें पदाधिकारी गण मौजूद रहते हैं, लेकिन उस मैदान के उद्धार के लिए, रख रखाव के लिए किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर जिला प्रशासन और स्थानीय मंत्री चाहें तो उस मैदान में खिलाड़ियों के बैठने के लिए पवेलियन तथा शौचालय की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे दूर दूर से टीमें वहां खेलने आएंगी और स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। जब हमारे सहयोगी आकिब शेख उस मैदान का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने उस मैदान को दिखाया और उस मैदान की दुर्दशा किस तरह से बयान की, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? आकिब शेख मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे खोड़ागाछी के मैदान? देखिए, खोड़ागाछी का मैदान बिरौल अनुमंडल में एकमात्र एक ऐसा मैदान है जहां पर आसपास के जो बच्चे हैं वो यहां पर मैच खेलने आते हैं, और आज से नहीं, सदियों पुराना ये मैदान है। काफ़ी दिनों से लोग यहां पर आते हैं मैच खेलने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, खास करके मॉर्निंग वॉक में और इवनिंग वॉक में लोग यहां पर अक्सर दिखेंगे, मैदान में घूमते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये समझिए, खास करके खोड़ागाछी के इस ऐतिहासिक मैदान का, कि इस मैदान में कई बार योजनाएं आई, बहुत सारे पैसे आए, लेकिन जीर्णोद्धार की जहाँ तक बात हुई आज तक नहीं हो पाया। आपने देखा कि जगह जगह मैदान में गड्ढे बन गए हैं, ऐसे में जब बच्चे खेलते हैं और जब वो दौड़ लगाते हैं तो कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं, इसमें दुर्घटना की भी संभावना है और हाथ पर टूटने की भी संभावना है, क्योंकि बच्चे अक्सर गिर जाते हैं। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और मैदान के चारों तरफ एक दीवार खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ ये मुझे नहीं पता। इसमें कितने पैसे आए, कितना पैसा इसमें खर्च हुआ, इसका जीर्णोद्धार होना ज़रूरी है, क्योंकि आसपास एक और मैदान है नहीं, हर जगह खेत खाली आने तक लोग ज़्यादातर इसी मैदान में आते हैं। आप सुबह में जब आएंगे देखेंगे यहाँ कई बच्चे, कई लोग यहाँ पर आते हैं, आसपास के पदाधिकारी लोग यहाँ पर आते हैं, लोग तरह तरह के यहाँ आयोजन होता रहता है, लेकिन इस मैदान का दुर्भाग्य समझिए, बिरौल का दुर्भाग्य समझिए कि इस मैदान में आज तक जीर्णोद्धार का काम नहीं हो पाया। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।